नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया और मजेदार। आज हम आपके लिए एक स्टेम एक्सपेरिमेंट का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना सीखेंगे और उसके द्वारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी सीखेंगे। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसे समझाने के लिए हम इंद्रधनुष का एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे यकीन है कि आपने आकाश में इसे कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इसमें 7 रंग होते हैं और ये आम तौर पर बारिश के बाद दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हम हर समय क्यों नहीं देख पाते? इसके पीछे भी साइंस का एक विशेष प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आम तौर पर सूरज की रोशनी या फिर सभी प्रकार की लाइट एक साथ मिलकर वाइट लाइट बनाती है, लेकिन जब यही किरणें बारिश की बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो वो अलग हो जाती हैं या स्कैटर हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की हाई डेंसिटी के वजह से लाइट रेज अलग अलग वेवलेंथ में मुड़ जाती हैं, जिसे हम 7 रंग में एक रेनबो की तरह देखते हैं। लाइट वेव्स के मुड़ने की इसी प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आज हम आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना सिखाएंगे, जिससे आप रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को टेस्ट करके देख सकते हैं और जब चाहें रेनबोज भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली पेपर ट्यूब, एक पेंसिल, कोई पुरानी सीडी, पेंट और पेंट ब्रश, एक पेपर कटर या कैंची, एक पतले कार्डबोर्ड का टुकड़ा और सेलो टेप। सबसे पहले इस पेपर ट्यूब को हम पेंट करेंगे। आप अपना कोई भी मनपसंद रंग चूज कर सकते हैं। ये पेपर ट्यूब हमारे स्पेक्ट्रोस्कोप की बॉडी बनेगी। अब ये पेंट होकर तैयार हो चुका है, इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब कुछ देर हो चुकी है और हमारा पेपर ट्यूब अब पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इस पे कुछ कट्स बनाएंगे। तो पहले इस पे पेंसिल से इस तरह से ऊपर से 45 डिग्रीज के एंगल पर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। इस कट को हम बना रहे हैं सीडी को अटैच करने के लिए। तो अब पेपर कटर लेकर इसे सावधानी से काटना शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, अब ये सेमी सर्कल कट चुका है। इसमें एक बार सीडी को डाल के देख लेते हैं। ये बिल्कुल आराम से इसमें आ जानी चाहिए। अब सीडी को निकालिए और इस सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट लेते हुए हम ठीक इसके उल्टे साइड पर एक और निशान बनाते हैं। अब इस निशान के आसपास हम एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का कट बनाएंगे। अब कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए और पेपर ट्यूब को उसके ऊपर रखकर एक सर्कल बना लीजिए। इस टुकड़े से हम पेपर ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से को कवर करेंगे, पर कवर करने से पहले हम इसमें एक स्लिट बनाएंगे। तो अब ये स्लिट बन गई। अब इससे हम पेपर ट्यूब के टॉप पार्ट को सेलो टेप की मदद से कवर कर देते हैं। तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप अब बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब सीडी के चमकीले हिस्से को ऊपर की तरफ रखते हुए इस सेमी सर्कुलर कट में लगाइए। अब हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोप को बाहर लेकर जाइए। तो अब सीडी के चमकीले हिस्से को और पेपर ट्यूब के कवर्ड हिस्से को आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए इस होल के अंदर देखिए, क्या दिख रहा है? बहुत सारे रंग। कितने रंग? इंद्रधनुष के रंग। अब आप जब चाहें अपना खुद का रेनबो यानी कि इंद्रधनुष देख सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है? सूरज की रोशनी इस स्लिट से अंदर घुसकर सीडी की चमकीली परत पे पड़ती है और वहां से ये वाइट लाइट रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है। और इस होल से जब हम अंदर की तरफ देखते हैं, तो यही लाइट अलग अलग वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ती है,
जिसे हमें रेनबो यानी कि इंद्रधनुष दिखता है। आप अपने स्पेक्ट्रोस्कोप को सूरज की रोशनी ही नहीं बल्कि अलग अलग लाइट सोर्सेज जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती की रोशनी आदि में भी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिले तो उनकी तुलना करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको स्पेक्ट्रोस्कोप बनाने में काफी मजा आया होगा। ऐसे ही एजुकेटिव और मनोरंजक क्राफ्ट वीडियोस के लिए सोनालिका ई गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।